तो गूगल पर सर्च कीजिएगा रिड्यूस इमेज साइज, तो जो पहला है रिसाइज इमेज ऑनलाइन, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए अपना रिसाइज करने से पहले आप अपने फोटो को क्रॉप कर लीजिएगा कितना बड़ा चाहिए, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा जो फोटो को रिसाइज करना है, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करके ओपन कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका पहले का साइज 3220x5098 है, ये इसका पिक्सल है और इसका साइज है 261 KB, जो कि हम लोग को 100 KB के अंदर चाहिए। तो चलिए नीचे आते हैं और सबसे पहले हम लोग को कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो पिक्सल में मांगता है, तो यहाँ भी पिक्सल मांगा है तो पिक्सल पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ अनलॉक करेंगे क्योंकि हम लोग को 200x250 बनाना है, तो अनलॉक पे क्लिक कर लेंगे। अनलॉक करने के बाद यहाँ 200 लिखेंगे, उसके बाद 250, तो जो साइज मांगा है उस साइज में लिख देंगे। यहाँ पिक्सल पे क्लिक कर लेंगे तो परसेंटेज से पिक्सल कर लेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये DPI जैसे है वैसे ही रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फ्रेंड्स अगर आपका फोटो 400-500 KB का है तो 90% पे कीजिएगा, और मान लीजिए 5 MB, 6 MB, 4 MB का है तो 70-80 पे करके देखिएगा, तो आपका रिसाइज 100 KB के अंदर हो जाएगा। उसके बाद रिसाइज पे क्लिक करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स फोटो रिसाइज हो गया है और यह है 100 KB के अंदर 10 KB। आप 95% रिड्यूस करेंगे तो यहाँ 60-70 KB के आसपास आ जाएगा, वो आप अपने फोटो के अनुसार देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको सिग्नेचर करना है, तो सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए यहाँ सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद जो सिग्नेचर को रिसाइज करना है उस पर क्लिक करेंगे। इसका जो साइज चाहिए फॉर्म में 300x100 चाहिए। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, नीचे में हम लोग को स्पेसिफाई करना होगा, यहाँ भी पिक्सल में होना चाहिए तो पिक्सल पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अनलॉक कर लेंगे फ्रेंड्स, पहले से अनलॉक है तो ठीक है, नहीं तो अनलॉक कर लीजिएगा। मान लीजिए आप लोग को चाहिए 300x100 पिक्सल, तो क्लिक कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अनलॉक ही रहने देंगे, यहाँ DPI जैसे वैसे रहने देंगे। उसके बाद यहाँ 90% या फिर 95% पे करके देखिएगा, आपका रिसाइज हो जाएगा। चलिए 90% पे करके देखते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स 7 KB के आसपास आ गया, यानी कि 100 KB से कम है, जितना फोन में चाहिए उससे कम है, तो यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। चलिए दोनों डाउनलोड करने के बाद इस तरह से रिसाइज कर लेंगे। तो जो भी फोटो आपको रिसाइज करना है सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अनलॉक करेंगे, जो भी पिक्सल में मांगा गया है उसका विड्थ और हाइट मिला लेंगे, उसके बाद 90% 95% पे जा करके देखेंगे आपका हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स रिसाइज करने के बाद आप फॉर्म में फिलअप करते हैं।